हेलो स्टूडेंट्स, हम पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। इस लेक्चर में आज अपन देखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट सेकेंड ईयर के सिलेबस का है, यूनिट है फिफ्थ, सब यूनिट है 5.1। तो बूलियन एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन करना कैसे है, ये चीज़ अपन को देखनी है। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? कोई लॉजिक सर्किट है। अभी तक अपन ने देखा लॉजिक, जैसे गेट देखे अपन ने, तो उन लॉजिक गेट से मिलके क्या बना होगा? लॉजिक सर्किट। तो उस लॉजिक सर्किट के इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है, इनपुट आउटपुट के बीच का रिलेशन है, वो क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन। अब मान लो कि अपन को किसी भी लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, एक लॉजिक सर्किट जिसे बाइनरी डिजिटल सिस्टम बोलते हैं, बाइनरी डिजिटल सिस्टम। ठीक है, कोई सिस्टम दिया हुआ है जिसका इनपुट है कुछ भी, मान लो कि एक्स और वाई इसका इनपुट है। इनपुट का एरो इधर की तरफ दिखा देता हूँ। और इसका आउटपुट है कोई फंक्शन एफ। किस पे डिपेंड करेगा ये फंक्शन? किसका होगा? एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा। तो ये जो फंक्शन है वो एक्स और वाई पे किस तरीके से डिपेंडेंट है, वो उसको शो करते हैं अपन बूलियन एक्सप्रेशन के द्वारा। जैसे कि मैथमेटिक्स में सिंपल इक्वेशंस जिन्हें बोलते हैं अपन, कि वाई है वो एक्स के साथ में किस तरीके से रिलेट है, लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस जेड, कुछ भी जो रिलेशन है आपस में इक्वेशन है, उन वो क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन है, अल्जेब्रिक रिलेशन है। ऐसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन। तो कोई भी सर्किट डायग्राम है, उसका इनपुट और आउटपुट का जो रिलेशन है वो क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन। जो इस सिस्टम है इसको बोलते हैं बाइनरी डिजिटल सिस्टम। अब या तो अपने पास में ये होना चाहिए। अब इसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए, बूलियन एक्सप्रेस को मालूम करने के लिए, अपन को इस सिस्टम की जो ट्रुथ टेबल है उसका मालूम होना चाहिए। अब ट्रुथ टेबल के बारे में मैंने बताया पहले कि ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल है मतलब आउटपुट जो है वो इनपुट पे किस तरीके से डिपेंड है। मतलब बूलियन सिस्टम है तो इनपुट होगा जो, वो होगा वन और जीरो। तो जीरो और वन के कॉम्बिनेशंस के रखने पे इनपुट में आउटपुट में क्या मिल रहा है अपन को, जीरो या वन। तो वो जो है एक रिलेशन, उसको क्या किसके द्वारा दिखाते हैं अपन? ट्रुथ टेबल के द्वारा दिखाते हैं। तो इस ट्रुथ टेबल को यूज में लेके अपन इस बाइनरी डिजिटल सिस्टम के लिए बूलियन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो बूलियन एक्सप्रेस को कैलकुलेट करने का तरीका ट्रुथ टेबल से दो अप्रोच पे डिपेंडेंट है। एक अप्रोच होती है मिन टर्म अप्रोच और दूसरी टर्म अप्रोच होती है मैक्स टर्म अप्रोच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे जितना भी आएगा, फिफ्थ सिक्स सेवन चैप्टर हैं, वो सब इसी पे डिपेंडेंट है कि बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे कैलकुलेट करना है। क्योंकि कार्नोग में पाएगा आगे, वो भी उसमें भी मिन टर्म और मैक्स टर्म अप्रोच को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कोई भी एक बाइनरी डिजिटल सिस्टम है, उसके ट्रुथ टेबल है वो, मान लो कि ये है, मैं एग्जांपल ट्रुथ टेबल ले लेता हूँ। इनपुट है एक्स वाई और उसका आउटपुट जो है वो है एफ, और जो यहाँ पे इनकी डिपेंडेंसी है वो है इस तरीके से, इनपुट कॉम्बिनेशन ले लिया अपने 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और आउटपुट में मान लो कि आ रहा है 1 0 1 0। कोई ऐसा बाइनरी डिजिटल सिस्टम या कोई लॉजिक सर्किट ऐसा है जिसमें इस तरीके के इनपुट कॉम्बिनेशन रखने पे आउटपुट में अपन को ये एक्सप्रेशन, आउटपुट में ये मिल रहा है ट्रुथ टेबल में। तो इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, मैं एक बार डायरेक्ट लिखता हूँ, फिर उसके बाद में कैसे कैलकुलेट किया मैंने इसको, वो उसको मैं बताऊँगा। तो वो इसका जैसे बूलियन एक्सप्रेशन आएगा, वो आएगा एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई बार। ये आ गया इसका बूलियन एक्सप्रेशन। किस बेसिस पे कैलकुलेट किया अपन ने? मिनटम अप्रोच के आधार पे मैंने इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया। अब इस कैलकुलेट करने के पीछे क्या क्या प्रोसेस मैंने अपनाया है, तो ये प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या करना है अपन को, इस ट्रुथ टेबल में जहाँ जहाँ पे वन है वो वाली रो है उनको कंसिडर करना है।
यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, जो जीरो है उनको क्रॉस अपन को नहीं लेना है। वन के सामने जो इनपुट कॉम्बिनेशन है इनका क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है। इन दोनों को मिला के एक एंड ऑपरेशन होगा और एक इन दोनों का मिला के एंड ऑपरेशन होगा, और इन दोनों एंड ऑपरेशन का अपन फिर और ऑपरेशन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, और जीरो है उसको लिखेंगे अपन कॉम्प्लीमेंटेड के रूप में, और वन है उसको लिखेंगे अपन अनकॉम्प्लीमेंटेड के रूप में। जैसे कि इसमें बताऊँ मैं, तो यहाँ पे पहले फर्स्ट रो इसको लिया वन, यहाँ पे जीरो जीरो है तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन किया, और जीरो को क्या लिखा मैंने, कॉम्प्लीमेंटेड के रूप में। तो एक्स बार डॉट वाई बार, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंटेड के रूप में एंड ऑपरेशन हुआ, और इनका अनकॉम्प्लीमेंटेड के रूप में एंड ऑपरेशन हुआ। सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई आएगा, जीरो नहीं आएगा, वाई बार जो मैंने लिखा है वो बार नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई आएगा। यहाँ पे एक्स वाई एंड ऑपरेशन किया और इन दोनों का और ऑपरेशन मैंने कर दिया। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को, जितने भी वेरिएबल हैं उनका एंड ऑपरेशन करना है। किस तरीके से एंड ऑपरेशन करना है, जीरो को कॉम्प्लीमेंटेड के रूप में वेरिएबल के रूप में लिखना है, और वन को अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के रूप में लिखना है। कौन सी रो को कंसिडर करना है, जिन ट्रुथ टेबल में आउटपुट वन आ रहा है उन वाली रोज के वेरिएबल्स का एंड ऑपरेशन करना है, और जितने जो रो हैं उनका अपन को और ऑपरेशन उसके बाद में करना है। जीरो कॉम्प्लीमेंटेड लेना है, वन है वेरिएबल तो अनकॉम्प्लीमेंटेड लेना है। तो ये हो गया एक तरीका इसको एक्सप्रेस करने का। और एक दूसरा तरीका क्या एक्सप्रेस करने का इसका है, इसे अपन इनका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, जीरो वन टू थ्री। ओके, तो ये कौन सी पे है, जीरो नंबर पे है और ये है वन नंबर पे। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं एम जीरो प्लस एम टू, यानी कि ये जो फंक्शन है वो मिन टर्म, स्मॉल एम जो है वो मिन टर्म को एक्सप्रेस करता है। तो ये हो गया ट्रुथ टेबल में जीरोथ नंबर और टू नंबर पे जो वेरिएबल्स हैं उनके थ्रू ये अपन ने फंक्शन को बनाया है। तो यहाँ पे आ गया m0 प्लस m2, इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है, इसको एक तरीका और है शो करने का, अपन ये सम का साइन दिखा के यहाँ पे 0 और 2, यानी कि ये सम है, ये मिन टर्म के लिए ये सिंबल बनता है सम का, कौन से पार्ट का, जीरोथ और टू नंबर का, ये डेसिमल इक्विवेलेंट जिन बाइनरी इनपुट का है उनका ये सम है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा, इससे अपन को पता चल जाएगा कि मिन टर्म अप्रोच के थ्रू बना हुआ है जीरो और टू नंबर का। तो जीरो और टू नंबर पे वन वन है तो इनका जीरो और टू पे अपन एंड ऑपरेशन करना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम इसी को शो करने का दूसरा तरीका, जीरो नंबर और टू नंबर पे एंड ऑपरेशन करना है अपन को, और फिर इन दोनों का आपस में और ऑपरेशन करना है, और ये सिंबल किसका है, मिन टर्म अप्रोच का है। तो इस तीन तरीके से अपन जो है मिन टर्म अप्रोच में बूलियन एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। एक ये तरीका है, ये एक एम वाला तरीका है, और एक सम वाले साइन का तरीका है। करना कैसे है, आउटपुट में जहाँ जहाँ वन है उन रो को लेना है, उन दोनों रो का और ऑपरेशन करना है, और जो रो हैं उनके इनपुट का एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन कैसे करना है, जीरो को कॉम्प्लीमेंटेड के रूप में लेना है और वन को अनकॉम्प्लीमेंटेड के रूप में लेना है। तो ये तीन प्रोसेस हैं, कॉम्प्लीमेंटेड अनकॉम्प्लीमेंटेड किसको लेना है, कहाँ एंड ऑपरेशन करना है और कहाँ और का ऑपरेशन करना है, इसे आपको मिन टर्म एक्सप्रेशन है वो मिल जाएगा। मिन टर्म एक्सप्रेशन को लिखने के तीन तरीके हैं, इनमें से कोई सा भी तरीका लिख दो, एक ही बात है इसमें। अब उसके बाद में आता है नेक्स्ट, मैक्स टर्म अप्रोच। एक ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन को शो करने का, और नेक्स्ट है मैक्स टर्म अप्रोच। इसमें भी अपन कंसिडर कर लेते हैं ये ट्रुथ टेबल एक्स वाई फंक्शन। मिन टर्म अप्रोच के थ्रू अपन बुलियन एक्सप्रेशन निकालें या
मैक्सटर्म अप्रोच के थ्रू बुलियन एक्सप्रेशन निकाले, सेम जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, बस अप्रोच करने का तरीका अलग है। हो सकता है बुलियन एक्सप्रेशन दिखने में अलग अलग हो, बट सेम लॉजिक सर्किट के ट्रूथ टेबल के द्वारा अपन ने यदि बुलियन एक्सप्रेशन बनाया है सेम ट्रूथ टेबल के लिए या सेम लॉजिक सर्किट के लिए या सेम BDS के लिए बनाया है, तो आउटपुट जो आएगा अपना वो मिनटर्म और मैक्सटर्म के थ्रू सेम आएगा। अब मैक्सटर्म अप्रोच में बुलियन एक्सप्रेशन को लिखने का क्या तरीका है, पहले मैं रूल बता देता हूँ, उसके बाद में अपन लिखते जाएंगे रूल के साथ में। अपन को फंक्शन बनाना है एक्स और वाई के साथ में रिलेशन में। अब वहाँ पे मिनटर्म अप्रोच में अपन वन वाली रोज को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे करेंगे अपन जीरो वाली रोज को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इन दोनों का और ऑपरेशन करेंगे, इन दोनों का और ऑपरेशन, जो वेरिएबल्स हैं उनका और ऑपरेशन करेंगे और जो रोज हैं उनका एंड ऑपरेशन करेंगे, जस्ट रिवर्स है जो कि मिनटर्म अप्रोच में अपन ने लगाया था। और जीरो को वहाँ पे अपन ने कॉम्प्लीमेंटेड लिखा था, यहाँ पे जीरो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा और वन जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा, तो ये अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा, ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा और इन दोनों का और ऑपरेशन हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई बार का वाई बार हो गया इनका और ऑपरेशन। अब इन दोनों का और ऑपरेशन करना है अपन को और कॉम्प्लीमेंटेड रूप में लिया जाएगा क्योंकि वन है, तो एक्स बार प्लस वाई बार और इन दोनों का अपन को एंड ऑपरेशन करना है, तो ये बुलियन एक्सप्रेशन आ गया अपना मैक्स टर्म अप्रोच के थ्रू। ध्यान में रखना जो भी रूल उसके अंदर था प्रोसेस वही है, बस इसका लिखने का जो तरीका है वो जस्ट रिवर्स है, जो वहाँ पर रूल लग रहा था उसका रिवर्स इसका मैंने लिया है। और डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है इनका, 0, 1, 2, 3, तो एक वहाँ पे लिखने का तरीका देखा था अपने M0 और M2, क्योंकि जीरोथ और टू रोथ को अपन को कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे अपन फर्स्ट और थर्ड रो को अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखने का तरीका होगा वहाँ पे कैपिटल M के थ्रू दिखाते हैं, स्मॉल M के थ्रू दिखाते हैं, यहाँ पे कैपिटल M के थ्रू दिखाते हैं M1, एंड वहाँ पे और ऑपरेशन था तो प्लस का साइन दिखा रहे थे, यहाँ पे एंड ऑपरेशन है तो डॉट का साइन अपन दिखाएंगे। तो M1 मतलब मैक्सटर्म अप्रोच है, ये इससे ये पता चल रहा है फर्स्ट रो के अंदर और थर्ड रो के अंदर मैक्सटर्म अप्रोच लगाई हुई है और इनका एंड ऑपरेशन है, तो इन दोनों को M1 और M3 को एंड ऑपरेशन के थ्रू अपन यहाँ पे दिखाएंगे। और एक और तरीका, वहाँ पे सम का साइन दिखाया था अपन ने और यहाँ पे है इसका जो साइन दिखाते हैं वो पाई के थ्रू दिखाते हैं, M π 1 एंड 3, तो ये हो गया मैक्सटर्म अप्रोच को शो करने का तरीका। मिनटर्म अप्रोच बता दिया मैंने, मैक्सटर्म अप्रोच बता दिया यहाँ पे। और इस एक्सप्रेशन, मान लो ये तो छोटा एक्सप्रेशन, सोल्ड एक्सप्रेशन ऑलरेडी, यदि इससे बड़ा एक्सप्रेशन हो और इसको और छोटा किया जा सकता है, तो इसके बाद में जो ये बचता है उसको बोलेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं, मिनटर्म अप्रोच है उसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सम है प्रोडक्ट का, ये क्या है, एक प्रोडक्ट है x डॉट y, प्रोडक्ट बोलते हैं अपन मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट, और इन दोनों का सम हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म जो है प्रोडक्ट वेरिएबल्स हैं इनका अपन सम कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको सम ऑफ वेरिएबल। इसी तरीके से यदि अपन यहाँ पे सोचना चाहें तो क्या होगा, ये क्या है, प्रोडक्ट हो रहा है किसका, सम का, तो इसको बोलेंगे मैक्सटर्म अप्रोच को बोलेंगे POS, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो मिनटर्म और मैक्सटर्म को सम ऑफ प्रोडक्ट मिनटर्म अप्रोच को और मैक्सटर्म को प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म भी कहते हैं। मिनटर्म और मैक्सटर्म अप्रोच के थ्रू बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशन है एक लॉजिक सर्किट के लिए, एक बाइनरी डिजिटल सिस्टम के लिए, मिनटर्म दोनों को कैलकुलेट करने के लिए ट्रुथ टेबल की आवश्यकता होगी अपने उस जो भी सिस्टम, जिस सिस्टम के लिए अपन फंक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उनके ट्रुथ टेबल होगी, ट्रुथ टेबल के थ्रू अपन किस तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने बता दिया। मिनटर्म अप्रोच के थ्रू वेरिएबल्स जो हैं इनपुट वाले उनको अपन जीरो को कॉम्प्लीमेंटेड और वन को अनकॉम्प्लीमेंटेड लेंगे और इनका पहले एंड ऑपरेशन करेंगे जिन जिन रो में के आउटपुट में वन आ रहा है, जिस जिस रो का आउटपुट वन आ रहा है उन वेरिएबल्स का, फिर उनका आपस में और ऑपरेशन कर देंगे। और मैक्स टर्म में जस्ट इसका रिवर्स करेंगे, जिस रोज के आउटपुट जीरो हैं उनको कंसिडर करना है, जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनके जीरो को अनकॉम्प्लीमेंटेड लेना है और
जो आउटपुट जो वन है इनपुट में वेरिएबल उसको कॉम्प्लीमेंटेड रूप में लेना है, पहले उनका और ऑपरेशन करना है, फिर सभी रोज का प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है या एंड ऑपरेशन करना है। किस किस तरीके से इसके सिंबल ना शो करने के वो मैंने बता दिया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, जो मैंने बोला है उसको नोट्स रूप में आप लिख लेना ताकि याद रहेगा, तीन चार लाइनें हैं उनको लिख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।